हो जाइए तैयार मैच के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर ट्वेंटी फोर सेवन बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के साथ प्यार भरा बंधन तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर प्रॉफिट और लॉस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए डिस्काउंट पे चर्चा करेंगे तो डिस्काउंट पे चर्चा करेंगे आवाज़ वगैरह जारी है सभी लोगों के पास अविनाश जी बस उसका प्रैक्टिस कर लीजिए देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारे का सारा टाइप पढ़ा रहे हैं अब टाइप पढ़ा रहे हैं तो उसके प्रैक्टिस के लिए तो आपको कोई ना कोई सपोर्टिंग बुक चाहिए और कोई ना कोई सपोर्टिंग बुक से बनाइए कोई ना कोई आप सेट खरीद लीजिए टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करिए मौका हाथ से जाने नहीं देना है मौका हाथ से जाने नहीं देना है ठीक है ना तो कोई सेट खरीद लीजिए बाजार में ऑफलाइन सेट भी मिल रहा कोई अच्छा मतलब अच्छा मतलब देख लीजिए उसको खरीद लीजिए टेस्टरीज खरीद लीजिए टेस्टरीज ठीक है ना हेलो अब क्लास के बाद कर बो हाँ चलिए तो बात करेंगे हम लोग सर डिस्काउंट पे कि डिस्काउंट क्या है हाँ ठीक है सही है सही है सही है ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। <kuh> डिस्काउंट तो कल हम आपसे पूछे थे ए, एक सवाल पूछे थे। है। रहा हैं तो क्या होता है, है, है फ्लैट डिस्काउंट चंदन जी कितना बार हम इस सवाल के जवाब दे चुके हैं कि टेन प्लस टू हो या माध्यमिक हो माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो टेन प्लस टू कंप्यूटर साइंस हो या मैथ हो या फल मैंने जो भी हो जनरल मैथ्स के जो सवाल आएंगे प्राथमिक में अब देखिए पीआरटी टीचर पीआरटी आर बार बार लिखते हैं चीज़ पी आर पीआरटी में आपका बीस क्वेश्चन आएगा मैथ्स का ठीक है ना बाकी पीजीटी हो गया पीजीटी हो गया पीजीटी हो गया या टीजीटी हो गया इसमें आपको चार से पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स के ठीक है चार से पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि जनरल मैथ होगा जो कि आपका जनरल मैथ होगा ये आपका वो लेवल का नहीं होगा कि हाइपर वोला कल्कुलस फलना फलना ये सब नहीं होगा ठीक है ना ये आपका जनरल मैथ होगा हाँ अब जो लोग पीजीटी टीजीटी में जो मैथ्स के मैथ्स के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत है है ना उनके लिए बहुत है लेकिन हम लोग यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो जनरल मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं ठीक है अब एक बार फोटो एक, एक खींच के रख ले बार बार क्वेश्चन ही क्वेश्चन मत करिएगा हमको ठीक है ना ठीक है ना चल तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर कि सक्सेसिव डिस्काउंट तो जैसे कल हम आपसे एक सवाल पूछे थे कि बीस परसेंट प्लस दस परसेंट का भारी छूट है तो उसका एकल छूट क्या होगा ठीक है ना ऐसे करके सवाल था तो देखिएगा मान लिया जाए कि एक्स परसेंट और बाई परसेंट का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है सर एक्स परसेंट और बाई परसेंट का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसका फ्लैट डिस्काउंट कितने के बराबर होगा ठीक है ना कि फ्लैट डिस्काउंट कितने के बराबर होगा तो उसके लिए होता है सर एक्स प्लस का का कितना तो आप कहेंगे सौ इतने परसेंट के वो क्या होता है बराबर होता है ठीक है ना जैसे अब जैसे आपसे बोलेगा कि सर जैसे आपसे सवाल बोल देगा कि सर दस परसेंट और तीस परसेंट का दो लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होगा दस परसेंट और तीस परसेंट का दो लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होगा ये आपसे पूछा है किस एकल छूट के बराबर होगा ठीक है किस एकल छूट के बराबर होगा So, 10 परसेंट और 30 परसेंट का दो लगातार छूट है तो किस एकल छूट के तो तो आपका आप तो कैंसिल तो तीस दस चालीस और चालीस माइनस तीन यानी कितना हो जाएगा सर सैतीस के बराबर होगा ये कहने का मतलब क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट कहने का मतलब क्या होता है उसकी अगर हम बात करें कि देखिए अगर सौ का सामान है ट तो का, 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 मतलब का, तो का डिस्काउंट तो नब्बे।, नब्बे पर वो देगा तीस परसेंट का डिस्काउंट पर तो नब्बे पर तीस परसेंट का डिस्काउंट तो तीस परसेंट तो अगर हम लोग निकालेंगे तो नोतिया कितना हो जाएगा सताईस रुपया सताईस रुपया छोड़ दिया तो नब्बे में से सताईस घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि सर सड़सठ दस में से सात गया तो तीन और ये हो गया आठ में से दो गया तो छह तिरसठ यानी कुल मिला के सौ का सामान जो है वो तो तिरसठ में आपको मिला तो फाइनल डिस्काउंट कितने का हो गया तो आप कहेंगे सर सैतीस रुपये का तो वही पूछता है कि सर वो जो समतुल्य छूट है वो कितने परसेंट के बराबर होगा तो सैंतीस गुना सौ है ना डिस्काउंट इन टू हंड्रेड अपऑन एम आर पी एम आर पी कितना तो सौ यानी कितने परसेंट के बराबर होगा तो 37 परसेंट के बराबर होगा ये होता है सर आपका सक्सेसिव डिस्काउंट ये सक्सेसिव डिस्काउंट के चक्कर में हम फंसे थे बहुत पहले आ, बहुत पहले पढ़े फंसे थे जब पटना में हम पढ़ते थे तो गुरुजी हमको पढ़ाए थे कि फलाना परसेंट फला मैंने इस तरह से बताए थे सक्सेसिव डिस्काउंट लेकिन हमको ध्यान में नहीं रहा एगो नया नया मॉल खुला था नया नया मॉल खुला था और वहाँ पे हम चले गए थे वहाँ पे चले गए कि एकदम पचास परसेंट प्लस पचास परसेंट का भारी छूट लिखे हुआ था शायद वो बंद होने वाला था या खुला ही था और पूरा भीड़ रहे पूरा भीड़ रहे चले गए हम क्योंकि भाई एकदम लूटपटार में चल था हम भी गए सन का उठा लिए और मतलब चले गए बहुत सारा सामान लिए जब ले निकल रहे थे तो गेटवा पर धार लिया कहा बिल हम कि बिल का का फ्री में तो है पचास परसेंट पचास परसेंट हंड्रेड परसेंट हो गया क्या कि गुरु जी बताए थे कि किसी वस्तु का दाम हमेशा हंड्रेड परसेंट होता है सीपी हंड्रेड परसेंट होता है अब पकड़ के ले गया कहा सर बिल बना दें कि बिल बना दोगे और नहीं एक उतना छोड़ दीजिए सिक्वा डाल के आता था चोंगा वाला नहीं आता था सिक्का डाल के फोन करे वाला फोन कर दिए अपन छोटका भाई को कि ठेला लेके आओ तो बहुत सारा सामान खरीदलियो है ठीक ना ठेला लेके पहुंच गया बोला कितना सामान लिया होगा भैया के पास पता न कौन से पैसा आया वो ठेला लेके पहुंच गया ठीक है हम तो सोचे कि भाई अब ठेला के भी पैसा देने लायक नहीं थे हम लेकिन आ, हो सोचे कि इतना सामान ले जाएंगे तो खुश हो ही जाएगा ठेला के पैसा दे ही देगा घर से ठीक है और उस समय रहते थे हम अपने फूफा जी के यहाँ ठीक है तो फूफा जी दे ही देंगे पैसा तो मामला वहां पे फंस गया जब वहाँ पे मामला गड़बड़ा गया और सर ताजुब तब हुआ जब हमारे सपोर्ट में दो चार बुजुर्ग लोग खड़े हो गए हाँ सही बोल रहा है लड़का पचास परसेंट पचास परसेंट हंड्रेड परसेंट हो गया तो फिर पैसा कहेगा का का? फिर हमको याद आया कि ये क्या है कि सक्सेसिव का मामला है मामला सक्सेसिव का है इसीलिए हम चुपचाप वहां से घसक दिए अब भाई कह रहा है हम उसको बुलाए आनंद फंड में इधर हो इधर हो इधर हो आया उसके बाद फिर हम बोले घासा घसा कब यहाँ से तो कहे हम कहे कुछ मामला फंस गया तो कहते ठेला वाला के पैसा हम कि ठेला वाला के पैसा तो भाई अब तो एको रुपया नहीं है चल पीछे दिखकर निकल चलते हैं ठीक है तो ये सर मामला था तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट अब फ्लैट जहाँ पे लिखा रहता है वो फ्लैट उतने परसेंट का डिस्काउंट करता है वो फ्लैट उतने परसेंट का डिस्काउंट करता है ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें चलिए अब जैसे आपसे बोल देगा कि बीस परसेंट पचास परसेंट और तीस परसेंट का तीन लगातार छूट है तीन लगातार छूट है तो वो किस एकल छूट के बराबर होगा पवन शर्मा जी कह रहे हैं सर माइनस ही काहे किए पवन जी आपके लिए यही मेथड है पवन जी आपके लिए यही मेथड है ठीक है आपके लिए यही मेथड है साहब इसीलिए हम रखे थे दोनों मेथड ठीक है इसलिए हम दोनों मेथड रखे थे रीजनिंग पढ़ पढ़ के तुम लोग पगला गया है ठीक है तो इसलिए आपके लिए हम यही मेथड रखे थे कि कोई पूछेगा तो उसके लिए हम यही इसलिए टाइम हम पहले ही क्लियर कट कर दिए थे ठीक है <coughs> चलिए कहता है बीस परसेंट और तीस का तीन लगातार छूट है किस एकल छूट के बराबर होगा अब यहाँ पे देखिए तीन है Osionfish. तो दो वाले में तो फार्मूला कम करता है तीन वाले के लिए भी फार्मूला होता है लेकिन वो थोड़ा लेंदी फार्मूला हो जाता है वो थोड़ा लेंदी फार्मूला हो जाता है तो इसके लिए आप क्या करिए ना कि आप इसको रेशियो से लेकर चल जाइए बीस परसेंट मतलब क्या हो जाएगा एक वाटा पाँच पचास परसेंट मतलब क्या हो जाएगा एक वाटा दो तीस परसेंट मतलब क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे तीन वटा दस ठीक है और हम जानते हैं कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है तो एम आर पी पर दिया जाता है ठीक है ना एम आर पी पर दिया जाता है तो ये हो गया एम पी और ये हो गया सर आपका एस पी एमपी और ये एसपी अब यहाँ पे देखिए सर एमआरपी कितना है पांच रुपया है ना और उस पर एक रुपये का डिस्काउंट है तो एमआरपी आर पांच है एक रुपये का डिस्काउंट हो गया यानी बेचे कितना में तो चार में ठीक है एमआरपी कितना है सर तो दो है और उस पर एक रुपये का डिस्काउंट हो गया तो बेचे कितना में तो आप कहेंगे एक में ठीक है एम कितना है तो दस है तीन का डिस्काउंट हो गया तो बिका कितने में तो सात में तो यहाँ से एम पी से एस पी का ये रेशियो आ गया अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया सौ और चार ए कम चार चार कितना तो आप कहेंगे अट्ठाईस तो यानी सौ का सामान है साहब और अट्ठाईस में हमने क्या किया बेचा है तो कितने का डिस्काउंट हो गया सर तो बहत्तर का कितने का डिस्काउंट हुआ बहत्तर का अब आपसे पूछा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट तो आप कहेंगे सर बहत्तर गुना सौ और डिवाइडेड बाई कितना तो सौ डिस्काउंट इन टू हंड्रेड अपॉन एम आर पी कैल्कुलेट करेंगे तो, कितने का, तो का कितने परसेंट डिस्काउंट बहत्तर भी चाहते तो रेशियो लगा सकते थे कोई दिक्कत नहीं है दो वाले में भी रेशियो लगता तीन वाले में चार वाले में जितना आ जाए है ना तो दो वाले में अगर देखो नॉर्मल डेटा रहता नॉर्मल डेटा था तो हम फार्मूला बता दिए और नॉर्मल डेटा नहीं रहता तो हम इसमें क्या करते ना इसमें क्या करते सर हम रेशियो लगा देते हैं। अगर जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या ये तो फिर भी ठीक था अब यहाँ पे हम चाह के भी फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे हम चाह के भी फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे हम रेशियो ही इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पे देखिए फिर से कोई मत पूछिएगा कि सर फ्रैक्शन फरेक, कैसे क्या होगा सर 113 समझ आया कुछ लिख रहा है कंप्यूटर ज्ञान सेवा सर 113 वन, वन थ्री नहीं समझ आया वन वन थ्री लिखल है भैया जी तब न कहते हैं करने बन बन लिखल है, है। मल्टीप्लाई करेंगे अपरवे जी पर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है पांच के ऊपर पांच के ऊपर तो यहाँ एक लिखल बड़ा यहाँ पांच के ऊपर एम पी लिखल है वन वन थ्री का लिखल है ने, आप पढ़ते हैं। अरे गुस्सा नहीं होंगे भैया जी देखिए छब्बीस दशमलव ठीक है ना छब्बीस दशमलव छह परसेंट मतलब क्या हो जाता है आप कहेंगे सर चार बटा पंद्रह ठीक है सताइस दशमलव टू सेवन परसेंट मतलब क्या हो जाता है आप कहेंगे सर तीन बटा ग्यारह तीन बटा ग्यारह है। और सोलह दशमलव छह परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है आप कहेंगे तो एमपी से एसपी का रेशियो देखते हैं तो एमआरपी कितना है साहब तो पंद्रह रुपया है एमआरपी कितना है पंद्रह रुपया है चार का डिस्काउंट कर दिए तो बेचे कितना में तो आप कहेंगे रुपया में यहां पे देखिए एमपी कितना है सर एगारह रुपया है रुपए का डिस्काउंट कर दिए तो बेचे कितना में तो आठ रुपया में एम पी कितना है, है साहब तो छह रुपया है एक रुपये का डिस्काउंट कर दिए तो बेचे कितना में तो पांच रुपया में तो यहाँ से एम पी से एस पी का आप रेशियो निकालिए अब देखिए अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे क्या है ना सर अब यहाँ पे क्या है कि सर अब यहाँ पे देखिए गुना करना में गुना करने में थोड़ा सा समस्या है तो ये एम पी से एस पी का रेशियो है तो हम क्या करेंगे कि जो डेटा कटता है उसको हम काट कर लेंगे ठीक है लेकिन काट करिएगा तभी तिरछा तिरछी हमेशा जो ये कटेगा वो तिरछा तिरछी कटेगा जैसे ग्यारह ग्यारह ऐसे कटना जब भी कटेगा तो तिरछा तिरछी कटेगा ये सेम मत काट दीजिए कि छह पांच या पंद्रह ऐसे नहीं जब भी कटेगा तो तिरछा तिरछी कटेगा ठीक है जैसे हम इसको काट सकते हैं पांचिया पंद्रह ठीक है है ना ये नहीं की तीन दुनी के छेगा ऐसे नहीं कटेगा यह जैसे ये कटेगा कि तीन दुना के छुना के आठ ठीक है ऐसे जब भी कटेगा क्रॉस कटेगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए तीन तिया कितना हो गया नौ नौ रुपए का सामान है आ, कितने में बिका तो चार रुपया में बिका नौ रुपए का सामान है वो चार रुपए में बिका है तो कितने का डिस्काउंट हुआ तो आप कहेंगे पांच का पांच का डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट इन टू हंड्रेड अपॉन कितना है तो नौ अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए अब पांच बटा का सकल देख के हम कह सकते हैं पांच नौ का सकल देख के हम कह सकते हैं कि कितने परसेंट का हो जाएगा पचपन दशमलव पांच पांच परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा पचपन दशमलव पांच पांच परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा मयंकर जी कर रहे हैं सर लेट ज्वाइन किया हूं सो चार वटा पंद्रह तीन वटा पंद्रह कैसे लिखे हैं तो भैया जी फ्रे परसेंटेज में पढ़ाए थे परसेंटेज में पढ़ाए थे ठीक है परसेंटेज में पढ़ाए थे कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है इसका फ्रैक्शन क्या होता है इसका फ्रैक्शन क्या होता है तो फ्रैक्शन आप परसेंटेज में पढ़े होंगे परसेंटेज में हमने आपको कहा भी था कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा लेकिन आप लोग नहीं किए तो आप तो हम जबरदस्ती करवा नहीं सकते हैं आपसे ठीक है टून टून कुमार लिख रहे हैं यू आर ब्रेट सर जी ब्रेट को क्यों होता है रे ग्रेट होता है कि ब्रेट होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ये आपको खुद करना पड़ेगा साहब ये आपको खुद करना पड़ेगा और अभी भी मौका है आपके पास अभी भी मौका है कि सर एक से ले कर एक बट्टा पच्चीस तक के फ्रैक्शन से परसेंट परसेंट से फ्रैक्शन राइट डाउन करिए नहीं होता है एक बार दो बार चार बार कितने हम तो बोले थे कि जहाँ पढ़ते हैं जहाँ सोते हैं वहाँ पे लिख के चिपका दीजिए और एक नज़र सुबह शाम दौड़ाइए लेकिन हमारी बात कहाँ मानिएगा आप लोग हमारी बात नहीं ना मानते हैं हमारी बात मान भी नहीं करते हैं तो हम कुछ ही कहेंगे ठीक है अच्छा ए कह रहे रागनी जी समझ में नहीं आ रहा है कवची समझ में नहीं आया जी कौची समझ में नहीं आया कवची समझ में नहीं आया बोलिएगा तब ना कि कौचि समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन में कुछ है इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट का तीन लगातार छूट है क्रमिक छूट ये पूछा है कि इसका फ्लैट डिस्काउंट कितने के बराबर होगा तो इतना परसेंटेज है तो परसेंटेज को हमने बदल दिया फ्रैक्शन में है ना अब देखिए कि एम, एम जो है वो है वो और छोड़ दिए मतलब एम लिखा हुआ था पंद्रह रुपया, चार रुपया छोड़ दिए तो बेचे हम कितना में में तो तो से से का का रेशियो निकाले और काटा पीटी करिए ठीक है जय फकेला जी कह सर हम लोग आपकी तरह नहीं ना है तो आप भी तो एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं साहब आपको तो बनना पड़ेगा ना है ना आपको तो बनना पड़ेगा ना उस लेवल पे भाभी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो अपने आपको तो तैयार करना पड़ेगा साहब ठीक है अगला सवाल स्क्रीन पर है कहता है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20 परसेंट की छूट देने के बाद भी 10 परसेंट का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका एमआरपी 880 है ठीक है जिसका एमआरपी 880 है ठीक है तो कहता है 20% का डिस्काउंट देते हैं साहब ध्यान से सुनिएगा 20% का डिस्काउंट देते हैं तो हम आपसे लेते हैं कितना तो 80% ठीक है फिर भी इंटरनली कहता है गुरुजी आप हमारे गुरुजी हैं हम 20% का डिस्काउंट दे देंगे आपको तो हम आपसे लेंगे मात्र कितना 80% ठीक है ना मात्र लेंगे कितना 80% फिर भी इंटरनली वो चाहता है कि 10% का लाभ हो मन ही मन सोच रहा है कि 10 प्रतिशत का लाभ हो यानी मिले कितना तो 110 परसेंट मिले कितना तो 110 परसेंट ठीक है ना तो देखिएगा कह रहा है कि 20 परसेंट का डिस्काउंट देते हैं तो लेते हैं कितना तो 80 परसेंट है ना करे गुरु जी आप हमारे गुरु जी हम आपको 20 परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं मात्र ले रहे हैं आपसे अस्सी ठीक है ना अब मन ही मन वो चाहता है कि हम 10% परसेंट का लाभ प्राप्त करें यानी उसका टारगेट है कि गुरुजी को डिस्काउंट भी दें ताकि गुरुजी भी खुश रहे और हम भी खुश रहें 10% परसेंट का लाभ हो यानी 110% परसेंट उसको चाहिए ठीक है ये डेटा है अब कहता है कि उस वस्तु का एम जो है वो 880 है तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करिए सीपी ज्ञात करिए तो देखिएगा एम कितना है सर आठ है अच्छा जिस दिन हमने प्रॉफिट और लॉस को स्टार्ट किया था उस दिन हमने आपको समझाया था कि जो एम होता है वो हमेशा सी से क्या होता है ज्यादा होता है एम जो होता है वो आपके लागत मूल्य से हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है ना तो डिस्काउंट जो भी दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है तो एम पे ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा किया था ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए कि एम आपका आठ है कराईमूल क्या होगा तो हम जानते हैं कि करायमूल जो होगा वो एम आर पी से कम होगा कम होगा तो इस वैल्यू को कम करना है तो कम करने के लिए क्या करेंगे कल भी पढ़े थे हम लोग छोटका ऊपर और बड़का नीचे तभी ना वैल्यू कमेगा आप कहेंगे हाँ अब इसको काट दीजिए आठ चांस में कट जाएगा अठी अट्ठी कितना तो चौसठ 64, छह सौ चालीस आपके सवाल का उत्तर 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 हो जाएगा चलिए दीप्ति दीप्ति जी जी इक्वल भी तो हो सकता है हाँ, जी, आपके ऐसा परोपकारी इंसान रहेगा तब तो इक्वल रखवे करेगा कि दो रुपया में कलम बनाए हैं और दुए रुपया में आप बेचिएगा परोपकारी है ना आप है ना और दो रुपया में आप कलम बनाए हैं तो आपके आ, आपके पास कस्टमर थोड़ी ना आता है आप, आप देते हैं थोक विक्रेता मैंने जाता है होलसेलर के पास वो उसको देता है वो उसको देता है उसको देता है तो सब आपके तरह परोपकारी नहीं है कि दो रुपया लागत लगाए दू रुपया एम रख दीजिएगा तो बाकी लोग का पेट कैसे चलेगा ठीक है ना चलिए चलिए क्लियर है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से सेम उसी टाइप का सवाल है बनाने का प्रयास करिए बनेगा बारह साल से पढ़ाई छोड़ के बैठल बड़े तो जबरदस्ती ना समझ हुआ जबरदस्ती समझना पड़ रहा है तो साल से पढ़ाई बैठल जबरदस्ती है ना समझ हुआ घुसावे पड़ी ना एकदम कहता है कि अनुराग ने 21 परसेंट की छूट देने के बाद एक सट को बेचकर 12 प्रतिशत का लाभ कमाया है ठीक है यदि शर्ट का अंकित मूल्य छ हजार सात सौ बीस रुपया है तो इसका कराई मूल्य ज्ञात कीजिए तो देखिएगा इक्कीस परसेंट का डिस्काउंट देते हैं तो हम आपसे लेते हैं कितना तो आप कहेंगे सर इक्कीस परसेंट का डिस्काउंट दे दिए तब आप हमसे लिए कितना तो सेवेंटी नाइन परसेंट कितना लिए सेवेंटी नाइन परसेंट फिर वही आपकी चाह है कि आपको बारह परसेंट का लाभ हो तो 12 परसेंट का लाभ हो यानी आपका टारगेट है कि 112 परसेंट टारगेट है कि आपको 112 परसेंट मिले ठीक है 112 परसेंट मिले एम जो है आर्टिकल का कितना है तो 6720 है अब ये एम है सर और निकालना क्या है करेमूल निकालना है हम जानते हैं कि करेमूल जो होता है वो एम से कम होता है अब इस वैल्यू को कम करना है तो कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे तभी तो वैल्यू कमेगा ना अगर हम बड़का ऊपर रख देंगे छोटका नीचे कर देंगे तो तो फिर वैल्यू बढ़ जाएगा और हम जानते हैं कि सीपी जो होता है वो एमआरपी से कम होता है आप कहेंगे ठीक है तो 112 सौ बारह छके छ और छह साठ से गुना कर दीजिए छके चौवन की चार हाथ में बच गया पांच 42 और पांच कितना तो सैतालीस और एक जीरो चिपका देंगे चार हजार सात सौ चालीस चार हजार सात सौ चालीस क्लियर है अब यहां पे देखिए सर कहता है कि एक कंपनी चार प्रकार का डिस्काउंट प्रदान करती है चार प्रकार का ऑफर दे रही है तो एज ए कस्टमर ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सर्वोत्तम होगा ठीक है सर इसका एसपी बोले तो अरे भाई एसपी निकालने के लिए क्या है एमआरपी आर सात सौ बीस है है ना छह हजार सात सौ बीस है है ना इक्कीस परसेंट का छूट दे रहा है तो ले रहा है सेवेंटी नाइन परसेंट सेवेंटी नाइन वाटा सो एसपी पूछेगा आपसे एसपी नहीं पूछेगा वो तो सीधा सीधी सवाल हो गया कि एम आर पी इतना परसेंट का छूट दे दें कितना बेचेंगे तो सीधा सीधी बोल देगा एसपी पूछे नहीं करेगा वो पूछेगा आपसे सीपी साहब एसपी पूछेगा तो बुआ वाला सवाल है ठीक है एसपी नहीं पूछेगा परवेज़ जी कहता है एक कंपनी चार प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सर्वोत्तम होगा अब देखिए यहाँ पे क्या है <coughs> यहाँ पे क्या है कि बिडमना यही है कि आप बाजार गए चकाचौंध भरी जीवन में देख रहे हैं कि सर सेम कंपनी का चार चार गो ऑफर लगा हुआ है और कंफ्यूज हो रहे हैं चालीस दस पचास पैतालीस पाँच पचास तीस बीस पचास पैंतीस पंद्रह पचास जोड़ने पर सब पचास आ रहा है पता नहीं चल रहा है कि किसके यहाँ से लें किसके यहाँ से न लें कौन सा ठीक रहेगा नहीं रहेगा है ना जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कुछ बच्चे बी कह रहे हैं कुछ बच्चे सी कह रहे हैं कुछ लोग डी भी कह दिए ठीक है ना तो देखिए क्या करना है उन चीजों को समझिएगा कि जब योगफल आपका समान रहे और ये आपको जब भी सवाल पूछेगा तो योगफल बराबर करके ही पूछेगा योगफल बराबर नहीं करेगा तो भी बनेगा है ना तो जब योगफल आपका बराबर दे दिया जाए बराबर ही रहता है हमेशा जब भी पूछा है बराबर ही रहा है तो योगफल जब समान रहेगा तो एज ए कस्टमर एज ए कस्टमर अगर हम कस्टमर हैं तो एज ए कस्टमर हम चाहेंगे कि गुणनफल जहाँ पे कम होगा वहीं से हम समान लेना उचित समझेंगे जहाँ पे गुणनफल कम रहेगा वहीं से हम समान लेना उचित समझेंगे तो 40 दाहें के कितना तो आप कहेंगे 40 दाहें के 400 ठीक है 45 गुना पाँच कितना 225 30 गुना बीस कितना तो पैतीस गुना पंद्रह तो पैंतीस दाही के साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ से ज्यादा ही होगा मैटर हमको नहीं पता है ना हमको ये समझ में आ गया कि इससे छोटा कोई है है बाजार में ठीक तो हमने कहा बाबू कि जब योगफल सबका बराबर हो योगफल जब सबका बराबर हो तो आपको करना क्या है कि देखना है कि कहाँ पे गुणनफल कम होगा जहाँ पे गुणनफल कम होगा साहब उस कस्टमर के उस दुकानदार के यहाँ से लेना या उस ऑफर का लाभ उठाना एज ए कस्टमर अच्छा रहेगा एज ए कस्टमर अच्छा रहेगा तो हम देखेंगे कि गुणनफल कहां पे कम है दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर नेक्स्ट कहता है एक कंपनी चार प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सर्वोत्तम होगा चल बताइए अब सेम उसी टाइप का सवाल है देखिए वही चीज है बीस दस तीस पंद्रह पंद्रह तीस पच्चीस पच्चीस दो सौ पच्चीस पच्चीस बारह गुना छत्तीस दो सौ सोलह ठीक है तो अब देखिए गुणनफल कम कहाँ पे है आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर क्लियर है अगला सवाल कहता है छत्तीस परसेंट की एकल छूट के रूप में प्रभावित एक वस्तु पर दो समान लगातार छूट प्रतिशत की अनुमति है दो समान लगातार छूट प्रतिशत की अनुमति है तो प्रत्येक समान छूट प्रतिशत करिए प्रत्येक समान छूट प्रतिशत याद करिए मतलब कह रहा है कि सर आ, एक्स uh, परसेंट और एक्स परसेंट का दो सक्सेसिव uh, डिस्काउंट है और उसका जो फ्लैट डिस्काउंट है वो छत्तीस परसेंट के बराबर हुआ उसका जो फ्लैट डिस्काउंट है वो छत्तीस परसेंट के बराबर निकल के आया सर तो आप बताइए जो X, X का जो डिस्काउंट है बराबर बराबर वो एक्स का मान क्या है ये कहना चाह रहा है सवाल ये कहना चाह रहा है जैसे एक्स परसेंट और एक्स परसेंट का दो डिस्काउंट है सक्सेसिव तो इसका फ्लैट डिस्काउंट तो आप कहेंगे एक्स 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 गुना एक्स और इतने तो, 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 तो बताइए श्रीमान एक्स का मान क्या हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शंस को हम लोग रख के चल सकते थे जैसे हम लोग अगर ऑप्शंस को रखते बीस 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 चालीस बीस गुना बीस चार सौ चार सौ बटा सौ यानी चार तो चालीस में से चार जाएगा तो छत्तीस मैच करेगा ठीक है ना मैच करेगा अगर ऑप्शन रहता तो लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो हम कैसे बनाएंगे तो देखिएगा सर डिस्काउंट के केस में एमआरपी जो होता है वो आपका हंड्रेड परसेंट होता है ध्यान समझिएगा डिस्काउंट के केस में एमआरपी जो होता है वो आपका क्या होता है सर तो हंड्रेड परसेंट होता है ठीक है ना और अब देखिए और कह रहा है कि फलाना परसेंट फलाना परसेंट का दो लगातार छूट देने के बाद जो उसका प्रभावी छूट है है वो कितना है सर 36%. तो हाँ, ₹100 का सामान है छत्तीस परसेंट का डिस्काउंट पड़ गया एकल छूट छत्तीस हो गया तो एस पी कितना हो गया आप कहेंगे सर एस पी हो गया सर चौसठ एस पी कितना हो गया सर चौसठ ठीक है एस पी कितना हो गया चौसठ अब देखिए सर दो लगातार समान छूट रहेगा दो लगातार समान छूट रहेगा तो आप क्या करिएगा कि इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा दो लगातार रहेगा तो आप इसका क्या कर दीजिएगा सर स्क्वायर रूट कर दीजिएगा तो सौ का स्क्वायर रूट करेंगे तो दस और चौंसठ का स्क्वायर रूट करेंगे तो आठ तो दस का समान है आठ में बिका तो डिस्काउंट कितने का तो आप कहेंगे दो का कहा से बाबू तो दस से कितना प्रतिशत तो इंटू का हंड्रेड कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट यानी वह प्रत्येक मागत छूट जो है वो आपका क्या है सर बीस परसेंट के बराबर है वह प्रत्येक कर्मागत छूट जो है वो किसके बराबर है तो बीस परसेंट के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा अगर ऐसे सिचुएशन में दो लगातार समान छूट है तब आपका सर स्क्वायर रूट निकलेगा तीन लगातार समान छूट रहेगा तो क्यूब रूट निकलेगा चार लगातार समान छूट रहेगा तो दो बेरा स्कवायर रूट कहिए नहीं तो एक के बेरा में फोर रूट कहिए ठीक है।, है बात आ रही है समझ में चौसठ कैसे तो सौ रुपया का सामान था बबुआ छत्तीस रुपया छोड़ हाँ, तो कितना में बेच ले बानी? तो सौ में से छत्तीस घटा तो पता चली कितना में बेच ठीक ना क्लियर है सभी को देखिये थोड़ा सा अगर आप ज्यादा मतलब अगर थिंक कर पाते हैं तब तो फिर इस पे भी आप थिंक कर लोगे इस पे भी आप ऑप्शन चिपका के थिंक कर सकते हो अगर नहीं थिंक कर पाते हो तो आपके लिए वो तरीका है ना चलिए अगला सेम उसी टाइप का है और भी कोई दिक्कत नहीं है सारा में उतना ही समय लगना है जितेंद्र जी, जी समय उतना ही लगेगा ऑप्शन तो हम इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम सिखाने पर भरोसा करते हैं ठीक है देखिए अब यहाँ पे देखिए कि 19 परसेंट का छूट है है ना तो एमआरपी आपका कितना तो एमआरपी आपका 100 परसेंट उन्नीस परसेंट का डिस्काउंट हो गया तो आप बेचे कितना में तो आप कहेंगे कि सर आ, सौ का सामान है छोड़ दिए तो बेचे कितना में में तो आप कहेंगे में। अब देखिए दो समान क्रमागत छूट छूट है है तो तो दो लगातार है। तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये दस हो जाएगा ये नौ हो जाएगा दस का सामान है नौ में बिका है कितना के डिस्काउंट भाईल तो एक के कहा से तो दस से कितना प्रतिशत तो इंटू का हंड्रेड कैलकुलेट करिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट कितना हो जाएगा दस परसेंट यानी वह प्रत्येक सक्सेसिव जो डिस्काउंट है प्रत्येक जो क्रमिक छूट है वो किसके बराबर है वो दस परसेंट के बराबर है दस परसेंट के बराबर है आई थिंक लोड ले लिया होगा <laughs> सुशील जी कर रहे हैं ख्याल रखना मुश्किल है सर आगे माए गए माई, माई। देखिए नौकरी लग तो प्राथमिक उच्च विद्यालय मानपुर आ चल जाइ कानपुर ख्याल ना मुश्किल है सर मानपुर कानपुर में कंफ्यूज कर गई है।, है ना, नौकरी लगल लग बाड़े मानपुर में चल गली कानपुर चलिए 78.4 परसेंट का एकल छूट है तो देखिएगा डिस्काउंट के केस में एमआरपी आपका कितना तो 100 परसेंट है ना 78.4 परसेंट का डिस्काउंट कर दिए तो 100 में से 78.4 घटा दीजिए तो कितना में बेचे सर तो आप कहेंगे 21.6 में बेचे 21.6 में बेचे सौ रुपये का सामान है सेवेंटी एट पॉइंट फोर परसेंट का डिस्काउंट कर दिए तो सौ में से अठहत्तर दशमलव चार घटा दिए तो कितना हो जाएगा तो ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स हो जाएगा ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स हो जाएगा अच्छा ये एम पी से एस पी का क्या गया रेशियो अच्छा ये डेसिमल देसिम, डेसीमल है अगर हम डेसीमल को हटाना चाहें तो अगर हम ये डेसीमल को हटाते हैं साहब तो डेसीमल को हटा के क्या यहाँ पे एक जीरो चिपका दें डेसिमल को हटा देते हैं यहां से यहाँ एक जीरो चिपका देते हैं कोई दिक्कत तो नहीं होगा ठीक है अब उसके बाद इसका हम क्या करेंगे सर तीन तीन लगातार छूट है ना तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे तीन लगातार छूट है तो क्यूब रूट निकालेंगे तो एक हजार का क्यूब रूट करेंगे तो दस दो सौ सोलह का क्यूब रूट करेंगे तो छह यानी दस का समान है छह में बिका है कितने का डिस्काउंट हुआ आप कहेंगे चार का कहाँ से तो दस से कितना प्रतिशत तो इंटू का हंड्रेड सोना से सोना कैंसिल चार दहाई के कितना तो आप कहेंगे चालीस प्रतिशत कितने परसेंट का डिस्काउंट है आप कहेंगे सर चालीस प्रतिशत का पापा तो कितना लोग एकदम आदत से लाचार होते हैं जैसे कोची है, है पता नहीं कोची नाम रखा है एगो है कौन अमित अमित कुछ इतना नाम है। कमेंट इतना रिपीट करता है कि मत कहिए कैसे इतना फास्ट कमेंट करता है तो यही समझ में नहीं आता है कैसे पूरा आदत बनल है का जी पूरा कमेंट कमेंट खेले हैं एक हजार कैसे अरे भैया जी यहाँ पे पॉइंट था डेसिमल था तो डेसिमल को हटाइएगा जैसे देखिए ये सौ था और ये कितना था तो 221.6 था अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये 216 सौ बटा दस आएगा और इधर ये आपका 100 है तो ये भागा में तो इन्हें गुना में इतना है तो कितना हो जाते एक हजार आई हो जाती कितना 216। अब इतना भी बतावे पड़ते सर इतना भी बतावे पड़ता है हम्म अब इतना बतावे पड़ती तो, तो का कही हम ना कहो कुछ अगला सवाल उसने है बताओ जल्दी से आंसर देखिए कितना गर्व से कह रहा है सर सी एस स्टूडेंट है इसीलिए कमेंट इतना फास्ट टाइप करते हैं तो ये अपना मैंने कह जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सम्मानजनक काम कर रहे हैं आप ठीक है का ही हम आपको देखिए तो एमआरपी डिस्काउंट के केस में एमआरपी आपका हंड्रेड परसेंट ठीक है सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट का डिस्काउंट है तो एसपी कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर थर्टी फोर पॉइंट थ्री हो जाएगा सौ में से पैंसठ दशमलव सात घटाइएगा तो थर्टी फोर पॉइंट थ्री अब हम हाँ डेसिमल हटा के लिख दें डायरेक्टली तो कितना तो एक हज़ार और रेशियो कितना तो तीन सौ तैंतालीस बोलिए हाइय अब देखिए तीन लगातार छूट है तो हम इसका क्यूब रूट कर देंगे इसका क्या कर देंगे क्यूब रूट तो एक हज़ार का रूट कितना दस तीन सौ तैतालीस का रूट कितना तो सात तो दस का समान है सात में बिका है कितना के डिस्काउंट तो तीन का कहाँ से बाबू तो दस से कितना प्रतिशत तो इंटू का हंड्रेड कैलकुलेट करिएगा सोना से सोना कट जाएगा दस दिया कितना तो आप कहेंगे तीस परसेंट तीस परसेंट आपके सवाल का उत्तर अल्ले ठीक है अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर एक दो टाइप और रह गया है जो कि मिस कर गया था उस पर हम बात करेंगे और वो सवाल तो हम लिख के लाए नहीं है तो आप लोग लिखिए अब मजा आएगा अब आप लोग लिखिए है ना अब लिखिएगा किसी आ, किसी वस्तु को कॉपी कलम निकाल के बैठब हाँ कॉपी कलम निकाल के बैठ, हाँ, बैठ जाइए और लिखिए कि किसी वस्तु को पांच रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 320 रुपया में बेचने से हानि जितना की तीन सौ रुपया में बेचने से हानि तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें किसी वस्तु को 540 सौ रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि तीन सौ बीस रुपया में बेचने से हानि तो उस वस्तु का करें करें उस वस्तु का करेमुल करें। ठीक है अब देखिएगा कहता है कि पांच सौ चालीस रुपया में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि तीन सौ बीस में बेचने से हानि होता है तो तो आपसे पूछा है कि सीपी क्या होगा ठीक है ना तो कहता है कि सर उतना ही लाभ होता है जितना की हानि होता है मतलब उतना जितना बराबर है यानी होने वाला प्रॉफिट और लॉस की जो राशि है वो इक्वल है समझिएगा होने वाला प्रॉफिट और लॉस की जो राशि है वो आपका क्या है सर इक्वल है किसी आर्टिकल को कहता है 540 में बेचते हैं तो जितने रुपए का लाभ होता है उतने ही रुपए का हानि हमको 320 में बेचने से होता है तो होने वाला जो लाभ और हानि की जो राशि है पैसे जो हैं वो क्या है सर इक्वल है पैसे जो हैं वो आपके इक्वल है तो पूछा है कि सर सी क्या होगा तो देखिएगा सर हो होने वाला लाभ या हानि की जो राशि है वो इक्वल है और सपोज मान लेते हैं कि कि है है ना सपोज मान लेते हैं कि कितना है सर है ठीक है ना अब यहां पे देखिए 540 में बेचते हैं तो एक्स रुपए का लाभ होता है एक्स रुपए का लाभ हो गया तो यहां से एक्स घटा देंगे बाबू तो ये हमारा सी निकल के आएगा बोलिए हाँ या ना पाँच में बेचते हैं तो एक्स रुपये का लाभ हो गया तो 540 में से एक्स घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर सीपी आ जाएगा आप कहेंगे यस ठीक है अब कहता है कि उसी आर्टिकल को जब तीन रुपया में बेचते हैं तो एक्स रुपये का लॉस हो जाता है एक्स रुपये का घाटा हो जाता है तो यहाँ पे हम एक्स रुपया जोड़ देंगे तो ये हमारा सीपी आ जाएगा यहाँ पे एक्स रुपया जोड़ देंगे तो ये हमारा सी आ जाएगा आप कहेंगे जी तो ये भी आपका सीपी है ये भी आपका सीपी है दोनों तरफ से सीपी को हम क्या कर देंगे साहब इक्वल कर देंगे दोनों तरफ से हम सीपी को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे अब इसको बनाते हैं अब इसको करते हैं तो इसको सोल्व करते, तो करते हैं तो ये एक्स को उठा के उधर ले जाते हैं ये 320 को उठा के इधर ले आते हैं मतलब क्या हो गया सर तो टू एक्स बराबर आपका हो जाएगा 220। इसको उठा के इधर ले आए तो माइनस का टू हो गया इसको उठा के उधर लेके चले गए तो प्लस में होने जाएगा माइनस में तो माइनस का 220 तो माइनस माइनस कट गया तो बराबर कितना तो आप कहेंगे माइनस माइनसो दस हो गया ठीक है अब सीपी निकालना है तो सीपी निकालना है तो हम चाहे तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करें चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो हम सीपी निकाल सकते हैं तो घटाना आसान लगे घटा दिए जोड़ना आसान लगे जोड़ दीजिए

कह रहा है अंग्रेजी में ठीक है ना तो 430 में पांच सौ चालीस में बेचते हैं उतने का लाभ होता है जितना कि तीन सौ बीस में बेचने से हानि होता है ठीक है अः तो सीपी निकालना है तो देखिए पांच सौ चालीस में बेचते हैं उतना ही लाभ होता है जितना कि तीन बीस में बेचने से हानि होता है उतना जितना उतना जितना ये दोनों क्या है बराबर है उतना जितना दोनों क्या है बाबू बराबर है देन हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं 540 में बेचते हैं उतना ही लाभ होता है जितना कि 320 में बेचने से हानि होता है उतना जितना बराबर है दो से क्या कर दीजिए भाग आ कर दीजिए डायरेक्ट आपका सीपी निकल के आ जाएगा 430 डायरेक्ट आपका सीपी निकल के आ जाएगा 430 इसी टाइप का एक सवाल एक बच्चा का मेल आया है परवेज परवेज जी का ही मेल आया है, ठीक है ना परवेज जी का ही मेल आया है कि किसी आर्टिकल को आ, पढ़ते हैं परवेज जी का है अगर इंग्लिश में दिए होंगे तब तो फिर सबके लिए फायदा हो जाएगा अब इंग्लिश में कौन ही देता है आ, किसी वस्तु को 950 में बेचने से बेचने से जितनी हानि होती है उसी वस्तु को 1060 में बेचने से बेचने पर उससे 20 परसेंट अधिक लाभ होता है 20 परसेंट अधिक लाभ होता है तो 20 परसेंट लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ठीक है ना चल तो ये सवाल है इनका इनका तो हम रिप्लाई करेंगे इनका तो रिप्लाई मतलब हो जाएगा है ना अभी ये हो गया नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन ठीक है ना अब इनका सवाल है कि 950 में बेचने से उतना ही हानि हो, होता है जितना कि 1060 में बेचने से हुए लाभ बेचने पर उससे 20 परसेंट अधिक लाभ होता है उलट दिया लैंग्वेज भाई ये जो सवाल था ना एक्चुअल में कि किसी वस्तु को दस सौ साठ में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को नौ सौ पचास में बेचने से हुए हानि से बीस परसेंट अधिक है तो बीस परसेंट का लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा ठीक है एक बार मिला लीजिएगा प्रवेश जी सवाल सही है या गलत है ठीक है ना उसके बाद हम इसको देखते हैं ठीक है ना कुछ करना नहीं रहता है कुछ करना नहीं रहता है एक बार मिला लीजिएगा ठीक है मिला लीजिएगा तो हम आपको बता देते हैं आंसर आपको हम बता देते हैं दस सौ साठ प्लस नौ सौ पचास बीस परसेंट अधिक लाभ यानी छः बटा पाँच डिवाइडेड बाई वन प्लस सिक्स बाई फाइव ये यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा तो सीपी आ जाएगा और यहाँ से सीपी निकल जाएगा और उसके बाद ट्वेंटी परसेंट लाभ पर इसको बेच दीजिएगा छः बटा पाँच एक बार मिला लीजिएगा सवाल की डेटा सही है या गड़बड़ है अगर परवेश जी हमारी बात सुन रहे होंगे तो अब एक सवाल और रह गया है थोड़ा सा एक टाइप और रह गया है उसको भी हम लोग कर देते हैं एक टाइप ये है कि सर आप लोग देखते होंगे बराबर शॉपिंग करने तो जाते हैं ठीक है है ना शॉपिंग करने तो जाते हैं इतना भी अपनी बेइज्जती मत करवाइए शॉपिंग करने सब लोग जाते हैं ठीक है तो शॉपिंग करने जाते होंगे लिखा रहता है वाई फाइव गेट थ्री फ्री बाई फाइव गेट थ्री फ्री ठीक है और यहां पे हम आपसे पूछ दें कि फाइंड डिस्काउंट परसेंट फाइंड डिस्काउंट परसेंट फाइंड डिस्काउंट बाई फाइव गेट थ्री फ्री पांच खरीदने पर तीन मुफ्त देखते होंगे बराबर ऑफर चलते रहता है ठीक है कि पांच खरीदिए तीन मुफ्त फाइंड डिस्काउंट परसेंट कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा चलिए खरीदने जाते हैं ना बाई वन गेट वन फ्री बाई टू गेट वन फ्री ऐसा करके चलता है ना बताइए कितने कितने परसेंट परसेंट का डिस्काउंट है क्वेश्चन सही है तो सोल्यूशन हम आपको दे दिए क्वेश्चन सही है तो सोल्यूशन दे दिए परवेज जी ठीक है हाँ साठ परसेंट साठ परसेंट राजेश रोशन जी साढ़े कर रहे हैं सौरभ सुमन जी का चालीस है राजेश जी का चालीस है मनोज जी का साढ़े सैंतीस आ गया चालीस साठ साढ़े सैंतीस सुशील जी का है 40, 60, 40, 40 है ना हम्म चालीस साठ चालीस साठ चल रहा है ठीक <देखेगा> है बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो पप्पा ए एकरा में कहा बोले बोलेंगे तो कहेगा कि घोर बेइज्जती करते हैं महाराज नहीं बोलेंगे अब हम नहीं बोलेंगे अब अब बोलने लायक छोड़े ही नहीं आप लोग <laughs> बोलने लायक छोड़े ही नहीं जाते हैं ना शॉपिंग उपिंग करने की ओहू छोड़ दिए हैं ओहू छोड़ दिए हैं ज्ञानेश्वर जी मॉल उल में गए हैं ना सबके प्राइस अलग अलग नहीं रहता है महाराज जब भी उस तरह का ऑफर चलता है ना तो प्राइस सबका एम आर पी सबका सेम चलता है हाँ देखे करे नहीं जाते हैं बह रे बार, बहुत अच्छा कितना सुधरल है कि नहीं जाते हैं नहीं, कमाएंगे तब ना जाएंगे बहरे बाबा है ना बचपने से पापा के लूट रही है अभी तक के तुमको पते है शॉपिंग कर, करने नहीं जाए कितना विद्या के मंदिर में बैठ के झूठ बोलता है हमको तो यही समझ में नहीं आता है है ना? गाँव में मॉल नहीं है हाँ हमको भी पता है गाँव में चौधरी जी का दुकान तो रहता है ना, ऑफर करते हैं कभी-कभी। बोलवाओ मत हमसे फिर कहोगे कि बोलता है मास्टर कहता है बाई फाइव गेट थ्री फ्री मतलब पांच खरीदिएगा तो तीन हम आपको क्या देंगे फ्री देंगे ठीक है ना पांच खरीदिएगा तो तीन हम आपको क्या देंगे फ्री देंगे तो टोटल पांच खरीद रहे हैं और तीन फ्री दे रहे हैं यानी टोटल कितना सामान आप ले रहे हैं सर आठ सामान अगर एक सामान का दाम अगर हम मान लिया जाए कि एक सामान का एम अगर हम एक रुपया रखते हैं तो आठ सामान का एम कितना हो गया सर आठ रुपया आठ रुपया हो गया आठ रुपये का सामान है है ना मलकिनी के साथ गए हुए हैं आप शॉपिंग के लिए तो ठीक है दिखा रहा है कि पांच खरीदिए ना जी तीन को फ्री मिल जाएगा यानी आठ मल्कि आपको सिखा देती है कि जानते हैं जी आठ रुपया का सामान है आ, तीन को ये दे रहा है तो पैसवा पांचे रुपया ना देना पड़ेगा आपको देख ना रहे हैं आठ रुपया का सामान है आठ रुपया का सामान है अब आपको पैसवा कितना लग रहा है पांचे रुपया लग रहा अभी जाइए शॉपिंग करने महाराज तो कितना के डिस्काउंट भाई लो तो तीन रुपया के

तो जितने देर हम कमेंट पढ़ रहे थे उसने देर में तीन ही चार बच्चे का उत्तर, परसेंट आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम लोग फिलहाल यहीं पर रखते हैं अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे पुनः प्रसारित करेंगे तब तक के लिए घर पे रहिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए थैंक यू जय हिंद एम इस तरह के सिचुएशन में वेद प्रकाश जी एम डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है कभी भी आप देखिएगा वाई टू गेट वन फ्री अगर ऑफर कहीं पे भी देखेंगे तो वहां पे जो भी आप उठाइए वो तो मैंने कैटेगरी जो बटन रहता है कि हाँ यहाँ पे इस रेक में जितना भी सामान लगा हुआ है इसमें वाई टू गेट वन फ्री है तो उसमें जितने भी सामान होंगे जितने भी सामान होंगे सबका एम आर पी सेम होगा ठीक है जैसे मान लो कि तीन गो बेलना खरीदते हैं ओकरा पर एक बेलना फ्री है तो सभी बेलनमा के दाम क्या रहता है सेम रहता है सौ रुपये सौ रुपये सौ रुपये सौ रुपए तो सबका दाम सेम रहता है ठीक है अब अब जबरदस्ती करिएगा नहीं सर जानते हैं जेकर हाईएस्ट दाम रहता है ना ओकरा से लेता है वो सब वो सब लपो चपो मॉल में होता है ठीक है वो सब लपो चप्पो मॉल में रहता है और उसमें उस तरह का ऑफर नहीं रहता है ठीक है पीडीएफ तो डेली लगा देते हैं सर पीडीएफ तो डेली लग जाता है ठीक है ना पीडीएफ आपको डेली लग जाती है यहाँ पे हम पीडीएफ शेयर नहीं करते हैं पीडीएफ आपको जहां पे आप रिकॉर्डेड सेशन देखते होंगे वहीं पे आपको पीडीएफ का एक बना हुआ रहता है ना प्रैक्टिस बुक करके वहां से आप डाउनलोड करिएगा चैट में पिन कर दीजिए पिन करने हमको नहीं आता है हम टेक्निकली बहुत कमजोर छात्र हैं खास करके कंप्यूटर में यहाँ पे हमारी टीम हमको क्लास चालू करके देती है और हम क्लास पढ़ाते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे पिन नहीं कर सकते हैं साहब ठीक है चलिए क्लियर है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लुइस फिलिप पर ऐसे रहता है भैया जी हम तो सब दिन बोलबम वाला पैंट पहने हैं तो हमको तो पते ही नहीं है लुइस फिलिप का होता है हम तो सब दिन बोलबम वाला पैंट पहने हैं बोलबम पापा जाते हैं अपने भी हैं। लिए भी खरीदते हैं और जितना लड़कन सब सबके लिए बोलबम वाला पैंट लेके आते हैं वो तो हम नहीं जानते भैया लुइस फिलिप के पैंट कैसन होता है ठीक है हम्म संतोष जी सही पकड़े हैं आप पीडिया पीडिया सब पीडीएफ पढ़े ना कोई अब पीडीएफ पढ़े के बारी आए तो कंगल कंबल ओढ़ के सोए चलिए क्लियर है और किसी को कोई डाउट गांव में क्या चलता है हम हिओ लेके आए हैं दू ठीक है हिओ लेके आए हुए हैं चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए घर पे रहिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए थैंक यू जय हिंद